नमस्कार दोस्तों, वीवी बेसिक लर्निंग्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के साथ ऑल पे भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम आपको बताएंगे मेल मर्ज एनवेलप्स। एनवेलप्स मल्टीपल हम कैसे बना सकते हैं मेल मर्ज की मदद से, वो आज हम जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको मेल मर्ज लेटर्स के बारे में बताया था कि मेल मर्ज लेटर्स हम कैसे करते हैं, सेम फाइल में रह करके और एक्सेल की फाइल को ले करके हम कैसे मेल मर्ज लेटर करते हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया हो या आप देखना चाहते हो, दोबारा उसे समझना चाहते हो, तो मेरे आई बटन में जाकर के आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेल मर्ज का वो स्टार्टिंग से है, अगर आप बीच में से ये वीडियो देखेंगे तो आपको नहीं समझ आना। तो प्लीज पहले समझने के लिए मेल मर्ज लेटर्स आप जरूर देखें, और अगर आप वो समझ चुके हैं तो इसी पे कंटिन्यू करिए। दोस्तों मेल मर्ज एनवेलप्स के लिए सबसे पहले आप जाएंगे मेलिंग टैब के अंदर, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर स्टार्ट मेल मर्ज पे आएंगे, और यहाँ पर मिलेगा आपको ईमेल्स के नीचे एनवलप्स। एनवलप्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एनवलप पे, आपका एनवलप ऑप्शंस का बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने एनवलप का साइज सेट कर लेंगे, जो जिस प्रकार का साइज आप चाहते हैं, जो भी आप भेजना चाहते हैं उसको आप सेट कर लीजिए। डिलीवरी एड्रेस पे आप देखेंगे इसके नीचे होता है फॉन्ट, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका एड्रेस का बॉक्स खुलेगा, जहां पर आप इसका फॉन्ट, फॉन्ट का स्टाइल और फॉन्ट का साइज आप सेट कर सकते हैं। इफेक्ट्स में अगर आप कुछ इफेक्ट्स देना चाहते हैं तो यहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। कलर आप देना चाहते हैं कंटेंट का तो यहां से आप कलर को सेट कर सकते हैं। फिर अंडरलाइन अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और इसके बाद ओके कर लीजिए। फिर फॉन्ट पे ही मिलता है, अगर आपका फॉन्ट के बगल में कैरेक्टर स्पेसिंग, अगर आप कैरेक्टर्स की कुछ स्पेसिंग डिसाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। इसकी स्केलिंग भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पोजीशन और स्पेसिंग आप यहां से सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ओके कर लीजिए। प्रिंट ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां से आपका प्रिंटिंग का मेथड आपको मिल जाएगा, कि जिस प्रकार से आपका प्रिंटर है, यानी कि जहां से आप अपना पेपर को लगाएंगे उसके हिसाब से आप यहां से अपना प्रिंटिंग का मेथड चूज कर सकते हैं। प्रिंटर देखिए फ्री मेथड, यहां पर आपके बहुत सारे मेथड्स हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं तो यहां से आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपने करना है फेस अप या फेस डाउन, तो आप प्रीव्यू में भी इसको देख सकते हैं किस प्रकार से आपका आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको दिखाना चाहते हैं। फीड फ्रॉम में आपका डिफॉल्ट ही रहेगा, अगर कुछ रिसेट करना चाहते हैं तो यहां से आप क्लिक करके उसको रिसेट कर सकते हैं। फिर फॉन्ट के आप राइट साइड में देखेंगे दोस्तों, यहां लिखा है फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम टॉप, अगर आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा। तो यहां से आप इसकी स्पेसिंग डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न एड्रेस में भी वही होता है, आपका फॉन्ट सेम, जो भी आप डिसाइड करना चाहते हो तो यहां से आप सेट कर लीजिए। ये सब चीजें सेट करने के बाद आप
ओके कर लीजिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे, आप कुछ इस प्रकार से अगर डायलॉग बॉक्स खुलता है तो आपने सिंपली से ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे दोस्तों, आपका जो पेज का लेआउट है वो चेंज हो जाएगा, एनवेलप के साइज में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, आप जो एरिया आप देख रहे हैं इसके अंदर आपका एड्रेस आएगा जहां पर आप भेजना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लिस्ट है जो टाइप्ड है, तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाकर के यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और अपनी लिस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि आप नई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाकर के टाइप न्यू लिस्ट करेंगे और फिर अपनी लिस्ट को सेव करेंगे। और ये लिस्ट कैसे बनती है, इस पर कैसे वर्क होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद टाइप करने के बाद ओके कर लीजिए। और फिर जैसे ही आप अपनी एंट्रीज कर लेंगे, उसके बाद आपका ये वाला पार्ट भी आपको शो हो जाएगा, यानी कि एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइंस और इंसर्ट मर्ज फील्ड। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख लीजिए जहां से आप भेजेंगे, जहां से आप भेज रहे हैं आपका एड्रेस, एड्रेस आपका आ गया। और यहां पर आ गया आपका वो एड्रेस जिसको आप भेजोगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। एड्रेस ब्लॉक जो आपकी एंट्री है वही आपके एड्रेस ब्लॉक में आपको दिख रही हो। आपने नेम टाइप किया था, कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, सब कुछ। यहां से आप उसको हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस पर अनटिक करेंगे तो इसका आपको इफेक्ट प्रीव्यू में दिख जाएगा। तो यहां से आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हियर इज अ प्रीव्यू फ्रॉम योर रिसिपिएंट लिस्ट। आप देख सकते हैं इसमें फॉरवर्ड करने का ऑप्शन देखा है आपको। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी एंट्रीज करी होगी उन सबके नाम मिल जाएंगे आपको। एड्रेस ब्लॉक से आप अपना जो एड्रेस है जहां पर आप भेज रहे हैं वहां से आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक सेट करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर लीजिए। अब ओके पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको शो हो जाएगा, जिस प्रकार से अभी शो हो रहा है। अगर आप प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मेरी कुल 6 एंट्रीज है, जो 6 के 6 एंट्रीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद आप फिनिश मर्ज पे क्लिक करेंगे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे जाकर के, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको तो आप ऑल पे क्लिक रहने दीजिएगा और ओके कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी वर्ड की जो फाइल बनी है उन सब में हमारा खुद का एड्रेस और वहां का एड्रेस जहां पर आपको भेजना है वो यहां पर आपका आ चुका है। तो ये था अपना मेल मर्ज एनवेलप्स। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे, वैल्यूएबल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।